न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और बहुत तेजी से जो झारखंड की राजनीति है वो बदल रही है। हालांकि जब हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब वो बाहर आए, जेल से बाहर आए, उन्हें जमानत मिली, तभी ये हो गया था कि आज नहीं तो कल वो फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और चंपई सोरेन जो है वो हटेंगे उस पद से। जाने से पहले जो घटनाक्रम रहा है वो भी आपने देखा, किस तरीके से चंपई सोरेन का नाम आया, कल्पना सोरेन का नाम आया, परिवार में अजीब सी स्थितियां बन गई और उनकी जो भाभी है वो नाराज भी इस बात को लेकर हो गई थी। इन सब घटनाक्रम से इतर ये तय लगभग माना जा रहा है कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी एक बार फिर हेमंत सोरेन ही संभालेंगे और इसके लिए बाकायदा माना यह जा रहा है कि कुछ एक घंटों के अंदर वो राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई, बैठक में तय किया गया विधायक दल का नेता, ये फॉर्मेलिटीज हैं, वो फिर से हेमंत सोरेन को बनाया गया है। एक और बड़ी बात है कि चूंकि चुनाव से पहले, चुनाव एक बार फिर इंडिया गठबंधन आपस में, इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ा जाना है, ये भी एक बड़ी वजह है कि सबने मिलकर ये साझा फैसला लिया और फिर से जो कमान है, झारखंड की जो कमान है बतौर मुख्यमंत्री, वो हेमंत सोरेन को दी जा रही है। रांची में बकायदा सीएम हाउस में एक बैठक हुई है और चार या पांच दिन पहले वो जेल से रिहा हुए हैं। इंडिया ब्लॉक की फिर बैठक हुई है और जो सोरेन परिवार है वही कुर्सी संभालता आया है। चंपई सोरेन, अभी जो अपडेट मिल रहा है, चंपई सोरेन जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इतना तय है कि झारखंड की जो कमान है वो एक बार फिर से हेमंत सोरेन के पास जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह से घटनाक्रम रहा पूरा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन आई पिक्चर में, उन्हें लेकर फिर विवादित बातें आने लगी, परिवार में भी इसके चलते फूट पड़ गई और चंपई को तब सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, उन्हें ये कमान दी गई। अब जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, तब से ही बात कही जा रही थी कि आज नहीं तो कल वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे और वही हुआ। और ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ये बड़ा अपडेट आ सकता है कि हेमंत सोरेन की वापसी और चंपई सोरेन की विदाई। हालांकि ये भी है कि इसके बदले अब चूंकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो उनकी क्या भूमिका होगी, इस तरह के सवाल भी कहे जा रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसके बाद दी जा सकती है और हेमंत की वापसी लगभग लगभग ये तय है। कुछ ही देर में ऐसा लगता है कि ये जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में, यानी सभी के पास भी आ जाएगी। तो इंतजार करते हैं, थोड़ी देर का वक्त और बाकी है।